जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में सीएलएमसी की ओरिएंटेशन वर्कशॉप शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि वर्कशॉप में देश के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने सीएलएमसी के कार्यों, स्तनपान के महत्व, स्तनपान में आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया तथा समाज व आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस पर प्रकाश डाला गया। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में मदर मिल्क बैंक का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्तनपान के दौरान महिलाओं को आने वाली समस्याओं व उनके निदान के प्रति जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में करीब 850 से अधिक रजिस्ट्रेशन किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिल्ली, चित्तौड़, विजयपुर के विशेषज्ञों ने जानकारी दी। मदर मिल्क बैंक का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें हमारा 850 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है और जो कि अभी अनवरत जारी है। इसमें महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए कि स्तनपान संबंधी क्या क्या परेशानियां आती हैं, कि जैसे कि कुछ बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, जिसको पहला दूध बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जो कि एक रामबाण होता है, अमृत के समान होता है बच्चों के लिए, वो मिलना कितना आवश्यक है। कुछ माताओं के पास दूध ज्यादा उतरता है और वो बच्चा दूध नहीं पी पाता है, तो उस दूध को हम सेव करके दूसरे बच्चों को हम दे सकते हैं। तो इससे संबंधित लोगों में जागरूकता बढ़े और इसकी उपयोगिता बढ़े, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज देने के लिए ये मनाया जा रहा है। इसमें दिल्ली से दो विशेषज्ञ दिल्ली से है, चित्तौड़ से है और जयपुर से आए हैं। वो स्पेशल टॉक्स इसके बारे में देंगे और बाकी अलवर के भी स्पीकर से हैं।